हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू होम्यो एकेडमी। मैं सब डॉक्टर शुभम। आज मैं आपको कुछ रेयर और पर्टिकुलर फियर बताऊंगा और उनकी पर्टिकुलर होम्योपैथिक ट्रीटमेंट भी बताऊंगा। तो चलिए देखते हैं। तो फियर ऑफ बीज, जैसे मधुमक्खी का डर, तो उसे हम हिपरसल पर्टिकुलरली दे सकते हैं। सेकेंड है फियर ऑफ बग्स, उसमें हम कैल्केरिया कार्प दे सकते हैं। थर्ड है फियर ऑफ फॉलिंग फ्रॉम डाउन स्टेयर्स, नीचे जाते समय उसे गिरने का बहुत ज़्यादा डर लगता है, इसके लिए हम लैक्कैन दे सकते हैं। फियर ऑफ फ्रेंड्स, वो कोई फ्रेंड्स बनाएगा भी नहीं, उसके कोई दोस्त नहीं रहेंगे, उसे बहुत ज़्यादा डर लगता है, इसके लिए हम उसे सेड्रॉन दे सकते हैं। फियर ऑफ इमेजिनरी एनिमल्स फिफ्थ, इसे हम बेला दे सकते हैं। सिक्स्थ फियर ऑफ लंग डिसीजेस, फिर वो लंग डिसीज कोई भी हो, उसे हम अरेलिया रेसेमोसा दे सकते हैं। सेवन्थ फियर ऑफ न्यू पर्संस, तो उसे हम बराटा काप दे सकते हैं और लाइकोपोडियम भी दे सकते हैं, क्योंकि उनमें कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं रहता न्यू पर्सन के सामने जाने का। एट्थ फियर ऑफ रेन, बारिश का उसे बहुत ज़्यादा डर लगता है, उसे हम इलेपस कोरेलिनस दे सकते हैं और नाजा ट्रेपोडियंस भी दे सकते हैं। नाइन्थ फियर ऑफ विंड, जिसमें हम चैमोमिला और थूजा दे सकते हैं। टेंथ फियर ऑफ ट्रेन, उसे हम सक्सिनम दे सकते हैं, इसे पर्टिकुलर ट्रेन का ही फीवर रहता है, जो कि ट्रेन आने के बाद और ट्रेन में बैठने के बाद उसे घबराहट होना, शॉक बैठना, कोमा में भी जा सकता है, इतना सीवियर भी हो सकता है, उसे हम सक्सिनम देंगे। एलेवंथ फियर ऑफ पॉइंटेड ऑब्जेक्ट्स, फिर वो पिन रहे, नीडल रहे, सुई रहे, जो भी पॉइंटेड चीज़ रहेंगी उससे उसे डर लगता है, तो उसमें हम सिलिशिया और स्पाइजिलिया एंथिल्मिया दे सकते हैं। ट्वेल्थ फियर दैट डेथ इज नियर एंड मस्ट हरी टू सेटल इज अफेयर्स, जैसे उसे लगता है कि उसका मृत्यु अभी पास में है, तो उसके जो भी कुछ अफेयर्स रहेंगे, मतलब जो कामकाज रहेगा, वो जल्दी से निपटाना है, उसे ऐसा लगता है, तो उसमें हम पर्टिकुलरली पेट्रोलियम देते हैं। तो ये सभी रेयर फियर्स हैं, इसमें हम ये पर्टिकुलर मेडिसिन दे सकते हैं। थैंक यू।